जी नाज़रीन, आज हमारे बीच एक और टैलेंटेड शख्सियत मौजूद है। इनका नाम है सईद चुगताई साहब और ये टैक्सीडर्मिस्ट हैं। और इस हवाले से आज हम जानेंगे कि टैक्सीडर्मिस्ट होता क्या है और टैक्सीडर्मी की जो स्कोप है वो हमारे मुल्क में क्या है, इस हवाले से आज हम सईद साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो थैंक यू सो मच कि आज आप यहाँ पर आए और आपने इतना कीमती आपका ऑब्वियसली टाइम होता है, आप इतना कुछ कर रहे हैं और फिर भी आप हमारे पास यहाँ पर आई यू पाक में, थैंक यू सो वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस काम को तकरीबन 41 ईयर से कर रहा हूँ और स्कूल ऑफ टैक्सीडर्मी अमेरिका का डिप्लोमा मेरे पास। तो किसी किस्म का काम, स्टफिंग का, रिपेयर, मेंटेनेंस, नई स्टफिंग मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। सर, पहले तो हमारे देखने वालों को बताएं कि टैक्सीडर्मिस्ट होता क्या है। टैक्सीडर्मी, एक टैक्सीडर्मिस्ट है, टैक्सीडर्मी है, ये वर्ड जिसे कहते हैं जानवर हनूद करना, हनूद करके उसको ओरिजिनल शेप में लाना ताकि पता लगे इसकी लुक ओरिजिनल आ रही है, तो ये चीज़ है टैक्सीडर्मी। ठीक है, और सर इसका क्या स्कोप है टैक्सीडर्मी का पाकिस्तान में? क्या टैक्सीडर्मी को एज ए सब्जेक्ट हमारे मुल्क में पढ़ाया जाता है? देखिए जी, हमारे मुल्क में तो नहीं पढ़ाया जाता, लोग देख के इस काम को कर रहे हैं, देख के काम नहीं होता। इसका काम ये होता है कि प्रॉपर तरीके से इसको सीखा जाए, सीख रहे तो लोग इसलिए नहीं हैं कि इसमें काफ़ी एक्सपेंसेस आ जाते हैं, केमिकल मंगाना, पैसे, सारा कुछ करना, तो ये इनके पास की बात नहीं है। अभी तक आपने कितने एनिमल्स को स्टफ कर चुके हैं? मेरा ख्याल है मुझे कोई तादाद इनकी याद नहीं है, एक घोड़ा और गधा वगैरह छोड़ के बाकी हर किस्म का एनिमल मैंने स्टफ किया है, इवन सांप, फिश तक मैंने स्टफ की हुई है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और सर, ज़्यादातर आपके क्लाइंट जो है वो पाकिस्तान से ही है या पाकिस्तान के बाहर से भी आपको ऑर्डर्स आते हैं? नहीं, मेरे पाकिस्तान से बाहर से भी ऑर्डर आते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा हैं, तो बस इसी तरह चलता रहता है। वैसे भी ऑर्डर आ जाते हैं, कोई चीज़ मार के ले आते हैं चित्राल से, बलूचिस्तान से, चलता रहता है ये हिसाब हमारा। तो सर, आप वैसे इसको सिखाते भी हैं, लाइक आपके अपने पास आपके स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं या नहीं? स्टूडेंट आते हैं, लेकिन जिस वक्त उनको ये चीज़ कही जाए ना, 8 से 10 दफ़ा एक बर्ड मंगाया जाए तो वो कहते हैं यार ये क्या हमारे साथ प्रॉब्लम है, समझाना ये नहीं काम, वो कर ही नहीं सकते। दूसरा, इसका काम इतना आसान नहीं है। एक इसकी बोन को जिस वक्त हम केमिकल में डालते हैं, इतनी स्मेल होती है, मेरा आम बंदा नहीं खड़ा हो सकता वहाँ पे, समझे ना। ये काम आसान नहीं है, मेहनत वाला काम है, कम वेज लोग करते हैं इस काम। ओके, और सर एक और जो अभी आई गेस हमारे जो देखने वाले उनके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर टैक्सीडर्मी को तो जैसे आपने कहा कि यहाँ पर उसका कोई इतना खास स्कोप नहीं है, बाहर के मुल्क में डेफिनेटली ज़्यादा है, लेकिन क्या आप एक वाहिद हैं जो इस टाइम एनिमल स्टफ करें, एनिमल स्टफिंग का काम करें, या इसके अलावा और भी पाकिस्तान में टैक्सीडर्मिस्ट मौजूद हैं? देखिए, पाकिस्तान में टैक्सीडर्मिस्ट मौजूद हैं, लेकिन वो मोड पे काम कर रहे हैं, मैं मोड पे काम नहीं करता, मैं सारा अपने हाथ से केमिकल से काम करता हूँ, मैं मोड नहीं यूज़ करता। अच्छा, तो इसमें जो स्टफिंग होती है वो क्या वूल की होती है या किसी फैब्रिक वगैरह की होती है? इसके अंदर स्टफिंग किस तरह की आप यूज़ करते हैं, क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? इसमें पहली बात है, सारी केमिकल स्टफिंग होती है जिसकी 20 साल गारंटी मैं देता हूँ कि इसको कीड़ा नहीं लगेगा, इसको बू नहीं देगा, बाल नहीं उतरेंगे, 20 साल की गारंटी मेरी होती है। और आगे वो अगर मैं उसको बताने को, मेरे बताने के मुताबिक वो यूज़ करेगा तो 20 साल से ज़्यादा चीज़ चलेगी। ज़्यादा आपको मतलब किस एनिमल को स्टफ़ करने का सबसे ज़्यादा आपको मज़ा आया, मतलब जो आप कहते हैं कि जी ये मेरा फेवरेट था और इसको मुझे करके बड़ा मज़ा आया? मुझे बंगाल टाइगर का मज़ा आया था, जो कि मुझे जिसने काफ़ी तंग भी किया था कि उसे पोजिशन लेने में, बेंड करने में बड़ा उसका मज़ा आया था, बाकी ये छोटे मोटे तो कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा सर, जाते जाते हमारे देखने वालों को क्या फाइनल मैसेज देना चाहेंगे, कोई मैसेज, कोई पैगाम, एनीथिंग जो आप देना चाहें? देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा ये मजदूरी है, हाथ की मजदूरी है,
इसको आप सीखें ताकि घर बैठ के आप ये काम कर सकते हैं और आप अशाश बशा जिंदगी बसर कर सकते हैं। बस सिंह, थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो मच कि आज आप यहाँ पर आए, थैंक यू। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, सईद साहब की बातों को आपने गौर से सुना होगा। और जिन लोगों को टैक्सीडर्मिस्ट बनने का शौक़ है या टैक्सीडर्मी पढ़ने का शौक़ है तो उनके लिए आज की ये वीडियो थी। आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। और इसके साथ साथ आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया, और हमारी वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज मच एज यू कैन। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।